दोस्तों आज हम सोल लैंड एपिसोड 231 की ट्रेलर को एक्सप्लेन करने वाले हैं, तो एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अब जैसे ही ट्रेलर शुरू होता है तो हमें एंजल टेंपल का सीन दिखाते हैं, जहां पर क्वीन रेंगसू का 8 एग्जाम के लास्ट ट्रायल में क्वीन डोलू को मुजरिम के रूप में एंजल गॉड ने रखा था। इस सीने में एंजल गॉड क्वीन रेंगसू से कहती है कि तुम्हारे दादाजी भी बहुत सारे बुरे काम किया है, इसलिए मैं उनके पापों का अंत करना चाहूँगा। अब एंजल गॉड की यह अनाउंसमेंट सुनकर क्वीन रेंगसू चिंता में पड़ जाते हैं। अपने दादाजी को इस हालत में देखकर उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होता है कि उसे क्या अच्छा है और क्या बुरा। उसे समझ में ही नहीं आ रहा होता है कि आखिर कैसे इस ट्रेल को खत्म करें। इसके बाद फिर से एंजल गॉड क्वीन रेंगसू से कहती है कि तुम एंजल स्वॉर्ड का इस्तेमाल करो और अपने दादाजी को एक बड़ा सजा दो। यह सुनकर क्वीन दादाजी पर अटैक कर देती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है क्वीन रेंगसू अपनी 8th ट्रेल को कंप्लीट कर लिया है। अब इसकी अगले सीन में हमें ग्रैंड मास्टर को दिखाया जाता है, जो कि मीटिंग हॉल में सभी को बताते हैं कि मार्शल सोल एम्पायर एयर अटैक करने की प्लानिंग बना रहे हैं, इसीलिए हमें जल्द से जल्द एनिमी टीम के डिफेंस को तोड़ने का रास्ता निकालना चाहिए। इसके बाद ग्रैंड मास्टर की बातें सुनकर टेंशन आगे आ जाता है और इस मुश्किल मिशन को कम्प्लीट करने का प्लान सभी को बताता है। अब जब टेंशन का प्लान सभी को पसंद आ जाता है और उसको डिटेल में एम्परर सुबैंग को समझाता है। अब कुछ दिनों के बाद टैंक्शन अपनी पूरी तैयारी कर लेता है तो टियांडो आर्मी के साथ जेलिंग पास के नजदीक पहुंच जाता है और जेलिंग पास को छोड़ने का धारा लगाने लगता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें जेलिंग पास के अंदर बिबडोंग को दिखाया जाता है और हुलिना से कहती है तुम्हें किसी भी हालत में जेलिंग पास को प्रोटेक्ट करना है। इसके बाद जिस दिन युद्ध शुरू होता है उस दिन हुलिना अपने सोल मास्टर के साथ ऊपर आती है और टियांडो आर्मी के लाखों की सेना को देखकर अपने प्रॉमिस को याद करती है जो कि अपनी टीचर बिबडोंग को दिया था। हुलिना ने अपने टीचर से वादा किया था कि वह जेलिंग पास को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने पूरे कोशिश करेंगी। अब ट्रेलर के लास्ट सीन में टैंक्शन अपनी श्रेक डेविल्स टीम के साथ आगे आता है और अपनी ट्राइडेंट को उठाकर टियांडो आर्मी को मुराद बनाने के लिए कहता है। टियांडो आर्मी जरूर जीतेगा और यह कहने के साथ ही यह ट्रेलर यहीं पर कंप्लीट होता है।